हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका सभी ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब में वॉच लेटर क्या होता है और इसे कैसे यूज करें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर जो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक घंटी का आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं कि यूट्यूब में वॉच लेटर क्या होता है और कैसे यूज करें। तो फ्रेंड्स, जब आप यूट्यूब ओपन करेंगे और उसके बाद नीचे के साइड कोने में आपको यहां पर एक लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा। तो जब आप लाइब्रेरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वॉच लेटर का। देख लीजिए, मेरे में भी है यहां पर वॉच लेटर का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये वॉच लेटर यूट्यूब का एक ऐसा प्लेलिस्ट होता है, एक ऐसा यूट्यूब का फीचर होता है जहां पर कि आप यूट्यूब के कोई भी वीडियो को ऐड करके आप रख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, ये वॉच लेटर में पहले से भी एक वीडियो जो है ऐड किया हुआ है। तो ये वॉच लेटर यूट्यूब का एक ऐसा प्लेलिस्ट होता है जहां पर आप यूट्यूब के कोई भी वीडियो को ऐड करके रख सकते हैं, कोई भी वीडियो को आप वॉच लेटर में सेव करके रख सकते हैं। और वॉच लेटर में सेव करके क्यों रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहा हूं, तो अगर जो आप भी मान लीजिए कोई वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं और वो वीडियो आपका यूट्यूब पर नहीं चल रहा है, आपका नेट खत्म हो चुका है और चाहते हैं वो वीडियो को आप देखना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस वीडियो को यूट्यूब के वॉच लेटर में सेव कर दीजिए और उसके बाद वो यूट्यूब के वॉच लेटर में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप उस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, जब आपके पास नेट आए तब आप उस वीडियो को वॉच लेटर में से जाके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके पास उस वीडियो को देखने का टाइम नहीं है, तो अगर जो आप बाद में उस वीडियो को खोजेंगे तो वो वीडियो नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, आप उस वीडियो को YouTube के वॉच लेटर में सेव कर दीजिए। उसके बाद वो आपके YouTube के वॉच लेटर में सेव हो जाएगा और उसके बाद आपके पास जब भी टाइम आए तो आप उस वीडियो को YouTube के वॉच लेटर से आप देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो YouTube के वॉच लेटर में सेव रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमें इस वीडियो को YouTube के वॉच लेटर में सेव करना है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरे पास अभी नेट नहीं है और ये वीडियो नहीं चल रहा है, तो आपको जिस भी वीडियो को YouTube के वॉच लेटर में सेव करना है उस वीडियो के नीचे में आपको यहाँ पर थ्री डॉट दिखेगा, तो आप थ्री डॉट पर कर दीजिए क्लिक और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेव टू वॉच लेटर, तो आप सेव टू वॉच लेटर के ऑप्शन पर कर दीजिए क्लिक और उसके बाद वो वीडियो आपके YouTube के वॉच लेटर में सेव हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, ये वीडियो हो चुका है। उसी तरह से आप कोई भी वीडियो को प्ले करके भी सेव कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, वीडियो को मैं प्ले कर दिया और उसके बाद यहाँ पर आपको एक आइकॉन मिल जाता है, तो आप इस आइकॉन पर कर दीजिए क्लिक और उसके बाद वो वीडियो आपके YouTube के वॉच लेटर में सेव हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, ये वीडियो भी मेरे YouTube के वॉच लेटर में सेव हो गया है। अब मैं इसको कभी भी देख सकता हूँ, जब मेरे पास टाइम आए या जब नेट आए तब मैं देख सकता हूँ। तो आपको देखने के लिए क्या करना है, YouTube ओपन करना है, उसके बाद नीचे के साइड कोने में आपको लाइब्रेरी के ऑप्शन पर कर देना क्लिक और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वॉच लेटर का, तो आप वॉच लेटर के ऑप्शन पर कर दीजिए क्लिक और उसके बाद देख सकते हैं ये वीडियो यहाँ पर है। जो जो वीडियो को आपने वॉच लेटर में सेव किया है वो वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इस वीडियो पर क्लिक करके आप ये वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो वहीं से प्ले होगा जहां तक देख के आप ऐड किए थे। तो इस तरह से आप YouTube के वॉच लेटर में कोई भी वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।